हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसा डिस्कशन करने वाला हूँ जो शायद आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अभी हम लोग का एपीएससी का एग्जाम होने वाला है और एपीएससी एग्जाम में अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है काइंड ऑफ जो प्रीलिम्स वन में हम लोग का फर्स्ट फेज में हम लोग देखें तो हम लोग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है काइंड ऑफ, चाहे वो एपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन करें हो, चाहे वो असम पुलिस के लिए प्रिपरेशन करें हो। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अगर काइंड अफेयर्स के पार्ट में हम लोग ध्यान दें तो वो बहुत अच्छा पार्ट आ जाता है, जो पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, फिर आ जाता है हम लोग का ज्योग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो आज मैं इस वीडियो पे आप लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ कैसा टाइप का काइंड अफेयर्स हम लोग को मिल सकता है और वो एंटायरली पॉलिटिकल साइंस के बेसिस में होगा। तो जैसे कि आप लोग का ट्राई आपोस नेट न्यूट्रलिटी आ जाता है और अपॉइंटमेंट ऑफ सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन आ जाता है। तो ये सब आप लोग के साथ मैं इस वीडियो पे डिस्कशन करने वाला हूँ। ये वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं जितना ट्राई करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा काइंड अफेयर्स कवर करने के लिए ट्राई करूँगा, और अगर मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगा तो और एक वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा पॉलिटिकल साइंस रिलेटेडली, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये वाला चैनल मेरे को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितना काइंड अफेयर्स हो और कौन सी टॉपिक में आप लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें फर्स्ट काइंड अफेयर्स अपॉइंटमेंट ऑफ सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन, वो हेड किया था बाय हम लोग का रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर वेंकटरामा रेड्डी। सेकेंड काइंड अफेयर्स अगर हम लोग ध्यान दें तो ट्राई अपहोल्ड्स नेट न्यूट्रलिटी। अभी ट्राई बोलने से हम लोग का इम्पोर्टेंटली क्या आता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो नेट न्यूट्रलिटी बोलने से एक कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोग का हर एक कंटेंट हो या हर एक एप्लीकेशन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, हम लोग का इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं हर एक नेटवर्क ऑपरेटर्स को। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटर्स को हर एक एप्लीकेशन को इक्वली ट्रीटेड करते हैं। ठीक है, अभी प्रगति बोलने से हम लोग का जो मिनिस्ट्री प्रगति बोलने से सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोग का पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरेक्शन किया था कि एक हम लोग बोल सकते हैं एक शेयर किया था इंटरेक्शन जो जहाँ पे उसका मोटिव था कि ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म होना चाहिए फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड आप लोग बोल सकते हैं टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के कारण। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे दर्पण प्रोजेक्ट के बारे में। शायद आप लोग ने सुना हुआ है दर्पण प्रोजेक्ट, हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था और दर्पण का फुल फॉर्म ये है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। उसका एक ही एम था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना हो सकता है ऑफ अनबैंक रूरल पॉपुलेशन का, वो उसका इंक्लूजन करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। प्रोवाइड ए लो पावर ऑफ सोल्यूशन टू ईच ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो हम लोग बोल सकते हैं BPM, विच विल एनेबल ईच ऑफ अप्रोक्सीमेटली आप लोग का 1.29 लाख ब्रांच पोस्ट ऑफिस है अभी हम लोग का, उसका इम्प्रूवमेंट के लिए, उसका सर्विसेज लेवल थोड़ा स्पीड होने के लिए, जितना हो सके रूरल कस्टमर्स को दिलाने के लिए अक्रॉस ऑल ओवर द स्टेट, इसलिए हम लोग का दर्पण प्रोजेक्ट लिया गया था। एक न्यू लॉ इंप्लीमेंट किया गया था आप लोग का मेघालय में, इंडियाज फर्स्ट सोशल ऑडिट लॉ इन मेघालय। मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो जहाँ पे इंडिया पे अगर हम कंसीडर करें तो ऑपरेशनलाइज ए लॉ दे मेक सोशल ऑडिट करना पड़ता है और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि आप लोग का स्कीम्स वगैरह आ जाता है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए, गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस के लिए, राइट। और ये लॉन्च किया गया था आप लोग का मेघालय कम्युनिटी में, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेघालय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा मिला था और पब्लिक सर्विसेज हम लोग का सोशल ऑडिट एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। और 2017 में सिटीजन्स को अलाउ किया गया था, सिटीजन्स को अलाउ किया गया था आप लोग का पार्टिसिपेशन के लिए ताकि उन लोग का प्लानिंग अच्छा हो डेवलपमेंट के लिए और सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेनिफिशरीज भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और कॉन्करेंट मॉनिटरिंग हो ताकि कोई भी पूरा प्रॉपर फेयर यूज में हो और वहाँ पे कोई करप्शन वगैरह ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट करने के लिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्ट्रक्शन मिला था ऑफिशियल वर्कर्स के लिए और ये प्रोग्राम आप लोग का एनुअल बेसिस में इम्प्लीमेंट किया गया था। सबसे हिट टॉपिक अगर हम देखें ट्रिपल तलाक बिल आप लोग ने शायद सुना हुआ है पहले भी, अभी ट्रिपल तलाक बिल इम्प्लीमेंट किया गया था एज ए बिल इन 2017 टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ए वोमेन मुस्लिम वोमेन
तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन तो एंड टू प्रोहिबिट डाइवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग तलाक बाय देयर हस्बैंड्स। ये अगस्त 17 में इम्प्लीमेंट किया गया था बाय आवर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द सायरा बनो वी आयल वर्ल्ड। तो ऑन द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो हम लोग का मैनिफेस्टो आर्बिट्री में इम्प्लीमेंट था अगेंस्ट द बेसिस ऑफ टेनेंस ऑफ इस्लाम। दो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था रिसेंटली अगर हम बात करें ई संचार शायद बहुत लोगों ने सुना है, ई विधान के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है शायद। दिस आर द टू मिशन मेड मोड प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोग अगर कंसीडर करें डिजिटल इंडिया टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री हो या स्टेट लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस हो या हम लोग बोल सकते हैं पेपरलेस करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था एज ए ई संचार एंड ई विधान प्रोजेक्ट। हम लोग बात करेंगे हज सब्सिडी एलोकेटेड एबोलिश के बारे में। अभी हज सब्सिडी एक ऐसा फंड आता है जहाँ पे हम लोग का एजुकेशन एम्पावरमेंट करने के लिए फंड देते हैं स्पेशली टू द गर्ल्स एंड वुमेन्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। अभी इन 2012 में अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे डायरेक्शन मिला था कि हज सब्सिडी बी डन अवे विथ ऑल हज एयर ट्रैफिक, मतलब ऐसा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो भी हज करने के लिए जाएगा सऊदी अरब में तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी हम लोग को एट चीपर प्राइस में जाने के लिए मिलेगा, मतलब एयरलाइंस ट्रैफिक को सब्सिडी दिलाने के लिए एक प्लानिंग किया गया था। इफ हज ट्रेवल इज ओपन टू मोर एयरलाइंस द एयरप्लेन एयर फेयर विल बी चीपर देन यूजुअल। मेनी मुस्लिम लीडर्स आर गुड बिकॉज ऑफ एन अन इस्लामिक एंड अकॉर्डिंग टू द कुरान ओनली दोज मुस्लिम हु कैन अफोर्ड द एक्सपेंसेस शुड परफॉर्म हज। हम लोग बात करेंगे ईयूए बिल के बारे में जो गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी स्टेप लिया था कि ऑल स्टेट्स टू इंप्लीमेंट द नेशनल ईयूए बिल सिस्टम फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो ईयूए बिल इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज प्रोवाइडेड या हम लोग बोल सकते हैं दैट इज बीइंग जनरेटेड ऑनलाइन बाय द जीएसटी फोरम जीएसटी सिस्टम। वहाँ पे हम लोग का हर एक गुड्स अगर हम लोग कहीं से भी आए इंटर डिस्ट्रिक्ट में वे में अगर आए तो 50,000 से ज़्यादा होने से हम लोग का ईवे बिल खुद जनरेट हो सकता है और इंटर स्टेट ट्रेवल के लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सबसे इंपॉर्टेंट गाइनिफेस बोलने से पैनल रिकमेंड सेपरेट फ्लैग फॉर कर्नाटका। अभी व्हाई इफ हम लोग बात करें इट एडोप्टेड अगर MHA ने एक क्लियरेंस भेजा था कि कर्नाटका विल बी द सेकेंड स्टेट जिसका एक खुद का फ्लैग होगा ऑफिशियल फ्लैग स्टेट फ्लैग होगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लैग पोजिशन में अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का एक खुद का फ्लैग है सेपरेट फ्लैग ऑफ इज ओन ड्यू टू सम स्टेटस हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू स्टेटस ग्रांटेड बाई आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो सेपरेट सेंट्रल और स्टेट लॉ टू डील विद द इशू, किसी का इतना ऐसा कोई लॉ नहीं है कि सेंट्रल लॉ भी नहीं है स्टेट लॉ भी नहीं है ताकि वो लोग ऐसा एक टॉपिक के साथ डील करें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट स्टेट टू हैव देयर ओन फ्लैग। शायद बहुत लोगों ने सुना हुआ था कि महानदी वाटर डिस्प्यूट के बारे में जो ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ के बीच में हो रहा था डिस्प्यूट, वो एक एडजेसेंट डिस्प्यूट था जो महानदी रिवर के साथ रिलेटिवली था क्योंकि दोनों ये डिस्प्यूट इसलिए हुआ था कि एक रिवर महानदी रिवर और महानदी रिवर दोनों स्टेट के साथ शेयर करता था वो रिवर, एक ओडिशा आ जाता है और एक छत्तीसगढ़ आ जाता है। और उस ट्रिब्यूनल के मुताबिक अगर हम बात करें एक शामिल था और दो अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर एमोंग जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिला था उन लोग को। और आर्टिकल 262 में इम्प्लीमेंट किया गया था कि कोई भी एडजस्टमेंट होना पड़ेगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपोजिशन में अगर हम बात करें तो एडजस्टिफिकेशन होना पड़ेगा जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बीच में। सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था आप लोग का नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो सेटअप किया गया था आप लोगों का, हम लोग बोल सकते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेट करने के लिए ट्राई किया था, ऑडिटिंग करने के लिए ट्राई किया था, अकाउंटिंग करने के लिए ट्राई किया था एज ए स्टैंडर्ड वे एज वेल एज फॉर ओवरसाइट ऑफ ऑडिटिंग प्रोफेशनल इन इंडिया। वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज एक्ट भी इंप्लीमेंट किया गया था आप लोगों का 2013 पे बेसिस में और वहाँ पे 15 मेंबर्स इंक्लूडेड था, वहाँ पे एक चेयरपर्सन था, 3 फुल टाइम मेंबर्स थे जो एज ए सेक्रेटरी। तो मेडन इलेक्ट्रल बॉन्ड बेस इशू, ये इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया डिजिटली बहुत आगे जा रहे हैं कि आप लोगों को पता है माई गवर्नमेंट 2.0 एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन डिजिटल वे में मिलते हैं। माई गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू स्केल अप बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ऑडियंस
और एंड माई गॉव इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं या हम लोग बोल सकते हैं वो यूज वो चलाता है किसने, NIC। इंदु मल्होत्रा के बारे में आप लोग शायद सुना नहीं होगा। इंदु मल्होत्रा इज द फर्स्ट वोमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट जो जिसको डायरेक्टली फ्रॉम द बर्थ मिला है। तो इन अगस्त 7 सुप्रीम कोर्ट डिजिग्नेशन हर एज सीनियर एडवोकेट, ओनली द सेकेंड वोमेन ऑफ द एलिवेटेड बाई सुप्रीम कोर्ट। फेसबुक पार्टनर्स विद NCW टू लॉन्च डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, ताकि हर एक लड़की को, हर एक हम लोग बोल सकते हैं कि ताकि वोमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। फेसबुक ने पार्टनरशिप इसलिए किया है और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को कैसे सेफ्टी मेजर्स लेना है वो लोग सिखा सकते इन द टर्म्स ऑफ सोशल एंड डिजिटल मीडिया। सबसे इम्पोर्टेंट एंड वेरी गुड न्यूज, जैसे कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, भारत नेट एक ऐसा नेट है जिसको कनेक्ट किया गया था एवरी विलेज होम्स में। विद इन द स्कोप नेशनल ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन एवरी विलेजेस इन एवरी पार्ट ऑफ द विलेजेस टू सर्व द वे, ताकि सबको डिजिटल वे में आगे में ले जा सकते हैं हम लोग का गवर्नमेंट। और डिपेंडिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन अगर हम बात करें, सितंबर 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया था और नियर अबाउट 33.2 सब्सक्राइबर्स पर 100 पर्सन्स। और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हर एक को मिले। और टोटल 2,50,000 ग्राम पंचायत को भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया था आप लोग का भारत नेट कनेक्ट। अभी एक लॉ के बारे में बात करते हैं, लॉ कमीशन्स टू कोडिफाई पर्सनल लॉज, जैसे कि आर्टिकल 44 एक ऐसा लॉ है जिसके मुताबिक अगर हम लोग को डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेट करने को मिलता है, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए या चाहे वो इन्फॉर्म सिविल कोड परफॉर्म करने के लिए ड्यूटी ऑफ द स्टेट। और ये हम लोग का इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया है ताकि हर एक इन्फॉर्म सिविल कोड UCC ऑफ द कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जा सके। रेल मदद ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है, या ऐसा एक एप्लीकेशन डिजाइन किया गया है ताकि हर एक डिजिटल असिस्टेंस कर सके ड्यूरिंग ट्रेवल टू एक्सपेंड इट एंड स्ट्रीमलाइन पैसेंजर्स रिवेंट विद ट्रेवल। अभी यूनिट ऐप दैट इज लॉन्च टू ट्रैक मिसिंग किड्स, वो एप्लीकेशन आप लोग का ऐसा एक एप्लीकेशन बनाया गया है ताकि हर एक चीज, हर एक किड को ट्रैक कर सके या ट्रेस कर सके मिसिंग एंड अबैंडन्ड चिल्ड्रंस इन इंडिया। ये हम लोग का इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है, NCB एप्लीकेशन है लॉन्च किया गया था। और ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उसको नोबेल लॉरेट कैलाश सेक्रेटरी NGO बचपन बचाओ आंदोलन अवार्ड भी मिला है, डेवलप बाय हम लोगों से डेवलप। इंडिया जॉइंस यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट EBRD एज द सिक्स मेंबर, एंड EBRD फाउंडेड 1991, हेडक्वार्टर है लंदन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और नेक्स्ट पर चाहिए तो प्लीज़ डू कॉमेंट और किस टॉपिक में आप लोग को काइंड ऑफ चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, आप लोग सजेस्ट कर सकते हो ताकि मैं आप लोग के लिए नया वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ।